सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ट्रैफिक सिस्टम ट्यूटोरियल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने नेविगेशन कैसे सेटअप करना है और ट्रैफिक रूट हम लोगों को कैसे बनाने, वो सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि अभी हम लोग जो आई इस वीडियो में करने वाले हैं तो वो पूरा का पूरा नेविगेशन के ऊपर बेस है और हम लोगों ने जो लास्ट में ट्रैफिक रूट बनाया था उसके ऊपर बेस है। ओके, तो वो आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, और अगर आपको लास्ट वीडियो का याद होगा तो मैंने बोला था कि हम लोगों ने जो ये साइड जो ट्रैफिक सिस्टम, मतलब ये सॉरी ये साइड जो वेव पॉइंट हम लोगों ने सेटअप किया था ये वाला, तो ये पूरा का पूरा वेव पॉइंट हम लोगों को चारों डायरेक्शन में सेटअप करना है। तो वो मैंने कर लिया है क्योंकि वो काफ़ी ईजी है, तो मुझे लगा आप लोग कर लोगे वो, तो उसमें कुछ नहीं करना। ये ट्रैफिक सिस्टम को लीजिए और उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दीजिएगा, पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो मतलब ये जो जिब्रा क्रॉसिंग होता है वहाँ पे हमारा ऑलवेज फर्स्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला इस साइड पे जो है व्यू पॉइंट, उस पे यहाँ पे व्यू पॉइंट वन यहाँ पे आगे आ रहा है। ओके, उसके बाद व्यू पॉइंट टू, व्यू पॉइंट थ्री, व्यू पॉइंट फोर और व्यू पॉइंट फाइव, तो वो यहाँ पे ऐसे आना चाहिए। ओके, तो ये कार ऐसे जाके मूव करेगी। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा सिर्फ। ओके, तो और दूसरी बात है कि हम लोगों को ये वाला जो वेव पॉइंट है ये चार डायरेक्शन में, जैसे कि ये वाला यहाँ पे और ये जो चार वेव पॉइंट है दिखा देता हूँ आपको, ये वाला वेव पॉइंट, ये वाला वेव पॉइंट सिस्टम और ये वाला वेव पॉइंट और ये वाला वेव पॉइंट, इसके ऊपर हम लोग कार स्पॉन करने वाले। ओके, और दूसरे चार जो है जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं हमारे, मतलब दो साइड होती है रोड की, तो वो दो साइड होते हैं। तो जैसे कि ये वाला व्हीकल यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है और यहाँ पे भी जा सकता है, तो वैसे मैंने तीन और दूसरे चार ऐसे बना दिए जो कि हो गए हमारे विदाउट कार, मतलब यहाँ पे जो कार स्पॉन नहीं करेगी। ओके, क्योंकि हमारी जो कार स्पॉन होगी, जो ऑलरेडी जो कार स्पॉन होगी वो यहाँ पे जा सकती है। ओके, तो ऐसे मैंने दो बना दिए, उस दोनों को प्रीफेब में डाल दिया। एक होगा ट्रैफिक रूट होगा जो विदाउट कार होगा, एक ट्रैफिक रूट होगा जो विद कार, मतलब उसके ऊपर कार हम लोग स्पॉन करेंगे, एक के ऊपर कार स्पॉन नहीं करेंगे। ओके, जो सिर्फ एम्प्टी साइड होगी रोड की। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा, काफ़ी ईजी है, इसलिए मैंने ये पहले से सेटअप कर लिया। ओके, जिससे हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो ये वीडियो में हम लोग मेनली करने वाले हैं सेटअप कि हमारा जो वेव पॉइंट, तो मतलब हमारा जो कार है उसके अंदर हम लोग वेव पॉइंट की लोकेशन डाल देंगे कि हम लोग नेक्स्ट वेव पॉइंट कौन सा है। ओके, उसको कहाँ पे जाना है, तो वो इजीली वहाँ तक ट्रैवल कर सके। ओके, तो ये हम लोग एक बार कोड करेंगे तो ये बार बार चलता जाएगा, जिससे कि हमारी कार ऑटोमेटिक हमारे एनवायरनमेंट में घूमती रहेगी। ओके, कंटिन्यूली हर एक 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 जगह पे जाती रहेगी। ओके, डिफरेंट वेव पॉइंट को सिलेक्ट करके जाती रहेगी उस जगह पे। ग्रेट, तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो इस वीडियो में देखते हैं। तो हम लोग ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग कोड करें उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली हम लोग करने क्या वाले हैं। तो मैं आपको एक सिंपल रोड बना देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे हमारा ये एनवायरनमेंट जो हम लोग जिसमें हम लोग कोड करें वो ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे मैंने बना दिया। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने कहाँ पे किया, एक तो कार यहाँ पे स्पॉन होगी, यहाँ पे स्पॉन होगी, यहाँ पे स्पॉन होगी और यहाँ पे स्पॉन होगी। ओके, कार्स, तो अभी क्या करेंगे, जैसे ही हमारा हमको पता है कि यहाँ पे पांच व्यू पॉइंट है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ये वाली व्यू पॉइंट है उसके अंदर हम लोगों को ये वाली व्यू पॉइंट पे जो कार है उसके अंदर ये वाले व्यू पॉइंट का लोकेशन डालना है, ये वाले पे ये वाली का, इसके अंदर इसका और इसके अंदर इसका डालेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है व्यू पॉइंट, यहाँ पे जो हम लोगों ने पांच विदाउट कार, मतलब जिस पे कार स्पॉन नहीं होगी वो वाले जो वे पॉइंट है उसका जो लास्ट लोकेशन है ये वाला लोकेशन, उसके अंदर यहाँ पे इसका डालेंगे। सिमिलरली ये वाला वे पॉइंट है उसका यहाँ पे डालेंगे, और सिमिलरली ये वाला जो है उसका यहाँ पे डालेंगे। इसके अंदर से ये रैंडमली ये तीन में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा। ओके, किसी एक को सिलेक्ट करेगा, और वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि इसने सामने को सिलेक्ट किया तो वो व्यू पॉइंट पे मूव कर जाएगा। और फिर क्या करना है, जैसे ये व्यू पॉइंट पे मूव करे हम लोगों को ये पूरा का पूरा व्यू पॉइंट सिस्टम है ना उसके अंदर स्टोर करना है। और सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉलो किया, जैसे कि ये फाइव से फोर पे जा रहा था, फोर पे वैसे भी यहाँ पे हम लोग फाइव होगा ये वाला, तो फाइव से हम लोगों को यहाँ पे फोर पे जाना है,
वैसे ही जैसे ही वो फर्स्ट पे पहुंचेगा तो वापस वो आगे वाले रिवर्स के में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा, वापस वहाँ पे हो जाएगा, वापस उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा वैसे, वापस आके उसके बाद वो कोई और आगे रोड्स होगी उसको सिलेक्ट करेगा और फिर वापस आगे जाएगा। ओके ग्रेट, तो ये हमारा पूरा का पूरा होगा, जिससे क्या एक लूप चलता रहेगा। एक बार जैसे ही उसने ये चार पाँच के पाँच वे पॉइंट को कवर कर लिया, जैसे ही वो जीरोथ वाले मतलब फर्स्ट वाले वे पॉइंट पर पहुंचेगा, तो वो कैलकुलेशन करेगा अपने अंदर, हम लोगों जो उसको ऑप्शन दिए होंगे उसमें से वो रैंडमली किसी एक को चूज करेगा, वो डायरेक्शन में वो चला जाएगा और उसके बाद वैसे ही वहाँ पे वो पाँच को कवर करेगा। तो ये क्या पूरा का पूरा लूप हम लोगों को बनाना है, तो ये हम लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो आज पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा, या फिर हो भी जाए तो देखते हैं। ओके, तो मेनली ये व्यू पॉइंट सिस्टम तो बना लेंगे, मतलब ये कार है ना, ये पांच व्यू पॉइंट के ऊपर तो ट्रैवल कर ही लेगी। ओके, उतना तो हम ये वीडियो में बना ही लेंगे। तो फटाफट हम लोग चलते हैं यूनिटी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों को कार एआई को ओपन करना है विजुअल स्टूडियो में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक, सबसे पहले हम लोगों को लिखना है कि ट्रैफिक रूट। तो ट्रैफिक रूट का मतलब जहाँ पे ये वाला जो ट्रैफिक रूट है तो उसका एक हम लोगों को एक मतलब इसको स्टोर करे, उसके लिए हम लोगों को एक गेम ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा गेम ऑब्जेक्ट करंट ट्रैफिक रूट। ओके, तो करंट ट्रैफिक रूट करके हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और फिर दूसरा एक बनाएंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट करंट वेव पॉइंट। ओके, मतलब जो हमारा वेव पॉइंट को स्टोर करेगा। ओके, तो हम लोग करंटली किस वेव पॉइंट पे वो स्टोर करेगा। ओके, और दूसरा होगा एक पब्लिक इंट करंट वेव पॉइंट, करंट वेव पॉइंट नंबर। ओके, तो इसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, हमारा चलेगा, इसको इनिशियलाइज नहीं करना, वैसे का वैसे रखेंगे। ग्रेट, तो ये हम लोगों ने बना दिया। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, ये स्पॉन करे, सबसे पहले इसको सेव कर देते हैं। तो ये जो स्पॉन करे उसमें जाना है हम लोगों को, और इसके अंदर मैंने जैसे आपको स्पॉन कर जब हम लोगों ने स्क्रिप्ट बनाई थी तभी मैंने बोला था कि हमारी स्क्रिप्ट अभी भी थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो आज ये कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना हम लोगों को, यहाँ पे हम लोगों को ये दो है, जैसे कि ये दो है, उसकी पोजीशन हम लोगों को देनी है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग करंट ट्रैफिक सिस्टम का अभी के ये जो करेंगे, तो करंट ट्रैफिक सिस्टम को हम कैसे देंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये जो है वेव पॉइंट, ये जो वेव पॉइंट है ट्रांसफॉर्म डॉट गेट चाइल्ड, ओके, जिस पे हम लोगों ने स्क्रिप्ट अटैच किया है वही हमारा ट्रैफिक रूट होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर की वेव पॉइंट पे ये कार स्पॉन होने वाली है। ग्रेट, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंपली कार रैम लिखना है, कार रैम। ओके, जो मतलब जो कार सिलेक्टेड है उसके अंदर डॉट गेट कंपोनेंट, मतलब उसका एक कंपोनेंट क्या है नाम उस कंपोनेंट का, तो कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये वाला कार एआई। ओके, तो कार AI, ओके, तो ऑलरेडी ये आ चुका है डायरेक्टली कार AI। उसके बाद दो ओपन क्लोज ब्रैकेट करना है डॉट, तो इसके अंदर के अभी सारे के सारे जितने भी पब्लिक कंपोनेंट हो गए वो सारे के सारे हमारे लिए अभी इनेबल हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, करंट ट्रैफिक रूट, देखा करंट ट्रैफिक रूट भी आ चुका है यहाँ पे, तो उसके अंदर सिंपली हम लोगों को डाल देना है दिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट, सिंपल। ओके, तो डिस डॉट गेम ऑब्जेक्ट मतलब ये स्क्रिप्ट जिस गेम ऑब्जेक्ट पे अटैच्ड है वो वाला गेम ऑब्जेक्ट की यहाँ पे रेफरेंस चली जाएगी। तो हमारा ट्रैफिक रूट सिंपली हो चुका है। सिमिलरली ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे इतना कार एआई तक, और नीचे पेस्ट कर देंगे, और उसके अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे करंट वेव पॉइंट नंबर। तो करंट वेव पॉइंट नंबर तो होगा हमारा आई। ओके ग्रेट, तो करंट वेव पॉइंट नंबर भी हमारा आ चुका है आई। ओके, और करंट वेव पॉइंट नंबर, और दूसरा चाहिए हम लोगों को करंट वेव पॉइंट। ओके, करंट वेव पॉइंट का भी रेफरेंस चाहिए। ओके, तो शायद करंट वेव पॉइंट की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो करंट वेव पॉइंट की तो अभी क्या है, क्योंकि करंट वेव पॉइंट है हमारे पास, तो हम लोगों के पास ट्रैफिक रूट है और करंट वेव पॉइंट नंबर है, तो इससे हम लोग एनेबल कर सकते हैं डायरेक्टली, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसके जगह हम लोग नेक्स्ट वेव पॉइंट का एक बना देते हैं। वो नेक्स्ट वेव पॉइंट क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो नेक्स्ट वेव पॉइंट करके एक हम लोगों ने एक
ये मुझे बना दिया यहाँ पे, तो इतना तो रेडी हो चुका है। ओके, तो मतलब हमारा जब कोई भी कार स्पॉन होगी तो उसके अंदर ये दो इन्फॉर्मेशन होने ही वाली है, एक तो उसका करंट ट्रैफिक रूट कौन सा है और करंट व्यू पॉइंट नंबर कौन सा है। ग्रेट, तो इतना तो हमारा स्पॉन करके बस ये स्पॉन कार रेडी हो चुकी है। इसके इससे ज़्यादा तो इसके अंदर कोई कोड ऐड नहीं होने वाला, ये सिंपल है, इतना ही कोड है। और हम लोगों को अभी यूनिटी में जाके और एक स्क्रिप्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम होगा नेक्स्ट व्यू पॉइंट। तो अभी यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे जिसका नाम होगा नेक्स्ट व्यू पॉइंट। तो नेक्स्ट व्यू पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे ही हम लोग जीरो पे पहुंचे तो जीरो के बाद हम लोगों को तीन रैंडम पोजीशन देने वाले हैं, तीन रैंडम मतलब सॉरी रैंडम नहीं, तीन जितने भी नंबर ऑफ पोजीशन है हमारे पास जहाँ पे भी हमारी कार जा सकती है वो पॉइंट से, तो वो सारे के सारे हम लोगों को उसको अंदर देनी है और उसके बाद वो रैंडमली सिलेक्ट करेगा अपनी आप। ओके, तो सिंपली इसको हम लोग ओपन कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोगों को लेना है एक पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट एरे और उसको हम लोग नाम दे देंगे व्यू पॉइंट्स। ओके, सॉरी व्यू पॉइंट्स। ओके, तो हमारा एरे बन चुका है। ओके, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे पॉसिबल व्यू पॉइंट्स स्टोर करेंगे अंदर। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड होता है वॉइड ऑन ट्रिगर करके एक फंक्शन होता है, ये वाला वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर। ओके, तो वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर क्या करता है वो अभी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आप ये कार रही है, ये कार है कार। ओके, तो कार के अंदर आप देख सकते हो रिजिड बॉडी है, नहीं सॉरी बॉक्स को लैडर है, उसके अंदर आपको दिख रहा होगा ईस्ट ट्रिगर करके एक फंक्शन है। तो अगर हम लोग इसको इनेबल कर देते हैं ना तो ये क्या करेगा, मतलब ये इसके अंदर जो बॉक्स को लैडर लगा हुआ है वो क्या करेगा, ईस्ट ट्रिगर करने पे ऑन करने पे वो क्या होगा कि पास आउट हो जाएगा, पर हम लोगों को पता चलेगा कि वो किससे टकराया है और किससे नहीं टकराया वगैरह वगैरह की इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है। ओके, और वो सिंपली पास आउट भी हो सकता है उसमें से। तो हम लोग वो क्या करने वाले हैं, जितने भी वेव पॉइंट वन है, जितने भी वेव पॉइंट वन है उसके ऊपर सिंपली एक बॉक्स को लाडा बना देंगे। यहाँ पे एक बॉक्स को लाडा बनाना है हमको सिर्फ। ओके, एक सिंपल सा छोटा सा बॉक्स को लाडा ही चाहिए हम लोगों को, ये वाला बॉक्स को लाडर। ओके, तो ये बॉक्स वाला छोटा सा बन चुका है हमारा और इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं इतनी। ओके, और हाइट भी बढ़ा देते हैं थोड़ी हाइट। ओके, और ऑफ सेंटर कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। ओके, डन। ओके, तो यहाँ पे बन चुका है हमारा ये बॉक्स कोलाइडर और हम लोग इसको ईस्ट ट्रिगर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इससे कार तो पास इजीली हो सकती है पर ये क्या होगा कि हमको कार की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। ओके, तो उस इसकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एज अ नेक्स्ट व्यू पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं, उसके अंदर नेक्स्ट व्यू पॉइंट डालने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी हम लोग कोड करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा ओके, तो इसका हो गया तो अभी इसको हम लोग पुश कर देंगे अप्लाई ऑल। अप्लाई ऑल हो चुका है, वेट। और सिमिलरली जो विदाउट है उसके अंदर भी डालना पड़ेगा, तो उसके अंदर भी डाल देंगे बॉक्स को लैडर, उसको भी सिंपली स्ट्रिकर कर देंगे और इसको भी ग्रेट हो चुका है। ओके, तो ये हमारा रेडी हो चुका है, बॉक्स को लैडर सबके ऊपर अटैच हो चुका है स्ट्रिकर करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑन ऑन ट्रिगर एंटर करके हम लोगों ने फंक्शन बना दिया है। ओके, तो अभी हम लोग चेक करेंगे इफ अधर डॉट अधर, मतलब ये जो कोलाइडर है उसका नाम हम लोगों ने अधर दिया है, अधर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू कार। अगर वो कार है, मतलब जो हमारे जो हम लोगों ने जो फर्स्ट वेव पॉइंट पे जो कोलाइडर बनाया उसको टकराया और वो ऑब्जेक्ट का टैग अगर कार है तो हम लोगों को ये इसके अंदर का कोड करना है रन। तो कोड क्या होने वाला है कि हम लोगों को एक रैंडम नंबर लेना है, इंट रैम इज इक्वल टू रैंडम डॉट रेंज, रैंडम डॉट रेंज, और उसको कहाँ से कहाँ जीरो से लेके वेव पॉइंट डॉट
लेंथ तक रन करना है। ओके तो ये हमारे व्यू पॉइंट लॉन्ग लेंथ है जीरो से लेके इसके बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर को सिलेक्ट कर देगा। ओके और उसके बाद रैंडम नंबर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि वो जो है गेम ऑब्जेक्ट वहाँ तक हम लोगों को जाना है। ओके तो वो जाने के लिए यहाँ पे हम लोग कार AI से जाएंगे। ओके तो कार AI में हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ उसकी पोजीशन हम लोगों को देनी है। ओके तो पूरा का पूरा गेम ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोगों को स्टोर करना है। तो नेक्स्ट वे पॉइंट है, तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट, नो नॉट गेट कंपोनेंट, ट्रांसफॉर्म डॉट गेट कंपोनेंट, और उसके अंदर हम लोग देखेंगे कार AI और डॉट नेक्स्ट वेव पॉइंट इज इक्वल टू कौन सा वाला वेव पॉइंट, वेव पॉइंट्स रैम। ग्रेट, तो ये हमारा अदर के अंदर ये स्टोर कर दिया इसने नेक्स्ट वेव पॉइंट को। ओके तो यही सा सिंपल सा कोड हमारा जो रन होगा, तो बस इसको सेव कर लेते हैं। तो आपको पता चलेगा होगा कि अभी क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो करंट ट्रैफिक रूट हमारा कहाँ से आ रहा है, ये स्पॉन से। करंट वेव पॉइंट नंबर कहाँ से आ रहा है, हमारा ये स्पॉन से। और ये नेक्स्ट वेव पॉइंट हमारा कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट वेव पॉइंट वाले स्क्रिप्ट से। ओके डन, अभी हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों को अप टू डेट रखना है हमारे कार AI के थ्रू। ओके तो कार AI के थ्रू हम लोग इसको अप टू डेट रखेंगे। ओके तो हम लोगों को अभी करना है कि यहाँ पे जो वेव पॉइंट वन है इन सब के ऊपर हम लोगों को ये कार नेक्स्ट वेव पॉइंट की स्क्रिप्ट को सिर्फ अटैच कर देना है। और सिंपली अप्लाई कर देना है। ग्रेट, और सिमिलरली ये वाली जो स्क्रिप्ट है विदाउट कार वाले को भी अटैच करनी है। ग्रेट, और सिंपली यहाँ पे अटैच नहीं करनी थी, रिमो कंपोनेंट, और यहाँ पे अटैच कर देनी है, और फिर वेव पॉइंट के यहाँ पे जाना है और अप्लाई कर देनी है। ग्रेट, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रीफैब के अंदर ही, प्रीफैब के अंदर तो नहीं दिखेगा, तो डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ओके तो ये करंटली सब के सब दिखा रहा है सब कुछ व्यू पॉइंट वन के अंदर। कार AI क्यों आ रही है, ओके गलती से कार AI डल चुकी है यहाँ पे। तो रिमूव कंपोनेंट और डाल देंगे नेक्स्ट व्यू पॉइंट को। ओके तो हमारी डल चुके हैं नेक्स्ट व्यू पॉइंट यहाँ पे, और सिमिलरली हम लोग चेक करेंगे विथ कार वाले को, तो उसके अंदर भी नेक्स्ट वे पॉइंट डल चुका है। ओके तो अभी हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट वे पॉइंट जो है उसके अंदर देखना है यहाँ पे कितने पोजीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है तीन जगह पे यहाँ पे से जा सकते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे तीन देना है। तो तीन कौन सी जगह है, एक तो नेक्स्ट वे पॉइंट विदाउट कार, तो ये कौन सी पोजीशन, ओके ये वाली है, दूसरी ये वाली है। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसका जो फर्स्ट पोजीशन है ये वाला, ओके फिफ्थ पोजीशन, ओके तो फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे आ रहा है, तो फिफ्थ पोजीशन वाले को डाल देंगे सबसे पहले तो यहाँ। ओके ग्रेट, फिफ्थ पोजीशन डल चुका है यहाँ पे उसका। सिमिलरली इसका भी फिफ्थ पोजीशन डाल देंगे। ओके तो ये भी फिफ्थ पोजीशन चला जाएगा यहाँ पे, और सिमिलरली इसका भी फिफ्थ पोजीशन डाल देंगे। ओके तो इसका भी फिफ्थ पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा। इसका फिफ्थ पोजीशन, ओके तो यहाँ पे सबका मैंने ऐसे डाल दिया है वेव पॉइंट, ये कि तीन डायरेक्शन के। ओके ये वाली और ये वाली, तीन डायरेक्शन के तीन यहाँ पे आ चुके हैं। ओके तो सिमिलरली अभी मैं सबके अंदर ऐसे डाल दूंगा, तो ये पार्ट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, फटाफट मैं डाल देता हूँ सबके अंदर। ओके तो मैंने यहाँ पे सारे के सारे व्यू पॉइंट यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे भी आ चुके हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी आ चुके हैं,
यहाँ पे भी आ चुके हैं। ओके तो सब जगह मैंने वेव पॉइंट डाल दिए है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे मैंने क्यों नहीं डाले, क्योंकि हमारा रोड ये विदाउट कार वाले में भी अगर आपका बड़ा है मैप तो आप डाल सकते हो, क्योंकि इसके आगे हमारे पास कोई रोड नहीं है अवेलेबल, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं। ओके तो ये पे एक सिंपल मैंने एनवायरनमेंट लेके आपको समझा दिया। ओके इसलिए तो ये हमारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ हम लोगों को अभी कार AI के अंदर थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग करनी है और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। ओके तो वो स्क्रिप्टिंग काफ़ी बड़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, मतलब थोड़ी बहुत बड़ी हो सकती है। ओके तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लगते हैं, और वो हमारा ऑलमोस्ट फुल एंड फाइनल वीडियो होगा। और क्या तो उसके बाद एक और वीडियो आए, उसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ओके तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सिया, बाय।